राज्यपाल के संदर्भ में मैंने गत व्याख्यान में आपको उनके राज्यपाल की परिचय दिया, पद के बारे में बताया है। राज्यपाल की विधायी, कार्यकारी, न्यायिक शक्तियों के बारे में बताया गया। आज मैं आपको राज्यपाल की कुछ स्वविवेकीय शक्तियां और व्यवहारिक पहलुओं के संदर्भ में चर्चा करना चाहूंगी। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के आधार पर राज्यपाल की वास्तविक भूमिका का विवेचन कर सकते हैं। वस्तुतः राज्यपाल ने अब तक दो प्रकार की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया है। संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त विवेकाधिकार या स्व विवेक की शक्तियां अनुच्छेद 371 ए से 1 तक नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के राज्यपाल की प्रदत्त विवेकाधिकार शक्तियां। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है। किसी भी विधेयक को राज्यपाल अर्थात धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि राज्य में शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार संचालित न हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। इस प्रकार ये संविधान के द्वारा प्रदत्त राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति है, किंतु कुछ परिस्थितियों वश भी उत्पन्न स्वविवेक की शक्तियां हैं, जो इस प्रकार है कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियों का उपयोग करना होता है। जैसे कि जब किसी एक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, जिस दल की सरकार है, अर्थात इसका अभिप्राय हुआ कि जब एक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, ऐसी स्थिति में कानून निर्माण में, विधायी व्यवस्थापन में राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जिस दल की सरकार है उसके कुछ सदस्य उस दल से निकलकर किसी अन्य दल में मिल जाए और उस सरकार के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मिलीजुली सरकार का होना और उसमें आपसी फूट का बने रहना स्वाभाविक है और राज्य में शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाना। इन परिस्थितियों में राज्यपाल अपने स्वविवेक की शक्तियों का उपयोग करता है। अनेक बार विधानसभा के सत्र को बुलाने में भी तब वो स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है जबकि विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो। इस प्रकार राज्यपाल भारतीय संविधान निर्माता के केंद्र के समान राज्य में वह राष्ट्रपति के समान ही भूमिका निभाता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य प्रशासन में अपनी भूमिका निभाता है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण राज्यपाल के द्वारा ही स्थापित होता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल की दोहरी भूमिका को अपनाया। राज्य में स्वतंत्र संसदीय प्रणाली को केंद्र की भांति अपनाने पर बल दिया, वहीं दूसरी ओर राज्य की एकता व अखंडता को लिए राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण सुनिश्चित किया। उपरोक्त कारणों से राज्यपाल की दोहरी भूमिका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान निर्माताओं द्वारा उल्लेखित की गई और उसका प्रावधान रखा गया। राज्यपाल जहां एक ओर राज्य का औपचारिक अध्यक्ष है तो वहीं दूसरी ओर वह केंद्र का भी प्रतिनिधि होता है। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के पद से ये अपेक्षा की कि वह सामान्य परिस्थिति में राज्य की के औपचारिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, मंत्री परिषद की परामर्श के बिना वह
किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं करेगा। राज्यपाल अपनी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग विशेष परिस्थिति में ही करेगा, ऐसा संविधान में प्रावधान है, उल्लेखित है। राज्यपाल अपने विवेकाधिकार या स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग संविधान के उपबंधों के अनुरूप ही प्राप्त एकता अखंडता के लिए करेगा, परंतु व्यवहारिक राजनीति में राज्यपाल ने अपने स्वविवेक की शक्तियों का अनेक बार दुरुपयोग भी किया है। राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं होता? स्पष्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा राज्यपाल को नियुक्त करने की पद्धति को अपनाने के लिए के पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जैसे कि राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन साधारण निर्वाचन के समक्ष नेतृत्व की कठिन समस्या उत्पन्न कर देगा। राज्यों हेतु स्वीकृत संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचित राज्यपाल की व्यवस्था पूर्णतः असंगत सिद्ध होती, क्योंकि निर्वाचित प्रधान होने पर राज्यपाल मंत्रिमंडल में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल भी जनता द्वारा निर्वाचित और उसका प्रतिनिधि भी होता है। देश के विभाजन और उसके कारण से उत्पन्न विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने देश की स्वतंत्रता अखंडता की रक्षा हेतु राज्य की अपेक्षा संघ को शक्तिशाली बनाने पर विचार किया, अर्थात भारतीय संविधान में भारत को एक विचित्र संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप दिया है, जिसमें संघात्मक होते हुए भी जो संघ है वो इकाइयों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इकाइयां संघ पर निर्भर है। प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में कार्यकर्ता संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, जबकि संविधान निर्माता ये चाहते थे कि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल संघ के प्रतिनिधि अथवा एजेंट के रूप में कार्य करे। अतः इन समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था की गई। राज्यपाल की राज्य की राजनीतिक स्थिति में भूमिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अध्यक्ष तथा निर्णायक की होती है। यदि राज्यपाल को जनता अथवा विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था की जाती तो संभवतः राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होता और इस बात की बहुत अधिक आशंका रहती कि राज्यपाल स्वयं भी दलबंदी और गुटबंदी का शिकार हो जाता। अतः एक निर्वाचित प्रधान की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल की व्यवस्था का अंगीकरण संविधान निर्माताओं द्वारा उठाया गया। यह एक सही और महत्वपूर्ण कदम भी था, क्योंकि इससे राज्यपाल एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष और मध्यस्थ निर्णायक की भूमिका का निर्वाह अधिक कुशलता पूर्वक कर सकता है। राज्यपाल की परिस्थिति अर्थात राज्यपाल अनेक बार जो स्वविवेक की शक्तियां हैं या अपनी भूमिका है वो बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार सारांश में हम कह सकते हैं कि राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, राष्ट्रपति संघ का मुखिया होता है, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, लेकिन ये दोनों ही संवैधानिक पद अपने अपने क्षेत्र में सीमित अधिकार भी लिए हुए होते हैं। राज्यपाल संघ के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, ताकि भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि सुदृढ़ संघ की स्थापना राज्यपाल के पद से पूर्णतः पूरी होती है। राज्यपाल के माध्यम से ही संघ राज्य प्रशासन में अनेक प्रावधानों से, जिनका कि हम वर्णन कर चुके हैं, हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य प्रशासन पर अपना स्वामित्व रख सकता है, राज्य प्रशासन पर नियंत्रण रख सकता है। उसके लिए राज्यपाल को मनोनीत करके अपना एक प्रतिनिधि
राज्य प्रशासन में भेजकर संघ अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाता है।